अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा व सम्मान एवं स्वावलंबन के लिए संचालित मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत महिला साइबर क्राइम सेल का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्घाटन वर्चुअल रूप से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं न्यायमूर्ति ज्ञान सुधा मिश्रा, पूर्व न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय के कर कमलों द्वारा किया गया। इस अवसर पर जनपद गोरखपुर में साइबर अपराध थाना गोरखपुर परिक्षेत्र के अंतर्गत महिला साइबर क्राइम सेल का शुभारंभ पुलिस अधीक्षक अपराध डॉक्टर एमपी सिंह उपस्थिति में किया गया, तथा महिला साइबर क्राइम सेल में महिलाओं की शिकायतों को सुनने एवं निस्तारण हेतु महिला अधिकारी एवं कर्मचारी को नियुक्त किया गया, जिसके संबंध में एसआई सुनीता सिंह ने बताया कि यह महिला साइबर सेल केवल महिलाओं के लिए बनाया गया है, जिससे कि महिलाओं की समस्या अलग से सुनी जाए तथा उसका समय पर निस्तारण किया जाए, जिससे कि महिलाएं अपनी समस्याओं को बिना किसी परेशानी के हमसे शेयर कर सके तथा वह बता सके कि उनके साथ क्या हुआ है और वह अपनी समस्या का समाधान करा सके। उन्होंने बताया कि साइबर क्राइम दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, जैसे फेसबुक व्हाट्सएप पर महिलाओं के साथ अश्लीलता की जाती है या किसी तरह से उन महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है, ऐसी महिलाएं साइबर सेल में आकर अपनी समस्याओं को बता सकती हैं, जिससे कि उनकी समस्याओं का समाधान समय पर किया जा सके। इस अवसर पर एसपी क्राइम डॉक्टर एमपी सिंह, एसआई सूर्यकांत सिंह, एसआई विनायक सिंह, उपेंद्र सिंह, महिला कांस्टेबल गरिमा तिवारी, खुशबू मौर्य सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महिला साइबर थाना प्रभारी एसआई सुनीता सिंह ने कहा, असली तो आप ही है, तो आप ही आप ही। बैठो 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 थोड़ा नहीं था तुम जरा तो आ गए, और दोनों बच्चे खड़े हो जाते हैं, लाइन से खड़े हो जाएंगे। ये साइबर सेल की स्थापना माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से मिशन शक्ति के अंतर्गत ऑनरेबल चीफ जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा जी ने जो है जिसका उद्घाटन किया है, इसका मेन उद्देश्य ये रहेगा कि साइबर की जो पीड़िताएँ हैं, पीड़िताएँ तो नॉर्मली महिलाएं रहती हैं, साथ ज़्यादा घटना रहती हैं तो वो आराम से आपसे खुल के बात कर सकें। इसके लिए सिर्फ इसमें महिलाओं की पोस्टिंग की गई है, ताकि आप लोग संजीदगी के साथ उनकी बात सुन सकें और सुनने के बाद उनकी समस्या का विधिक निराकरण किया जा सके। एसआई सुनीता सिंह, जैसे कि हमारी रिटायर्ड जस्टिस श्रीमती सुधा मिश्रा, ज्ञान सुधा मिश्रा जी द्वारा मिशन शक्ति के अंतर्गत महिला साइबर सेल का उद्घाटन किया गया है। इसी के परिप्रेक्ष्य में सभी जगह जो है ये महिला साइबर सेल, जहां महिला साइबर थाने हैं वहां पे महिला साइबर सेल का भी उद्घाटन हुआ है। ये महिला साइबर सेल जो है स्पेशली महिलाओं के लिए बनाया गया है, ताकि महिलाएं जो है बेझिझक अपनी बातें, अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं हम लोगों से शेयर कर सकें, बिना किसी शर्म के, बिना किसी हेजिटेशन के वो बता सके कि उनके साथ क्या हुआ है, और उस आधार पे हम उनकी पूरी सहायता कर सके, उनका विधिक कार्यवाही के अंतर्गत जो भी है वो किया जा सके। इसलिए ये स्पेशली महिलाओं के लिए आज महिला दिवस के अवसर पर महिला साइबर सेल की स्थापना की गई है। जैसे कि देखिए, आजकल साइबर क्राइम्स जो बढ़ रहे हैं, स्पेशली आपका फेसबुक हुआ या फिर व्हाट्सअप, इन सब चीज़ों पे जो है महिलाओं के प्रति जो अश्लीलता फैलाई जा रही है या किसी भी तरह से उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, तो इन महिलाओं की समस्या को एक महिला सुन सकती है, अच्छे से समझ सकती है, और जो विक्टिम है वो भी अपनी बात बिना किसी झिझक के हम महिलाओं को बता सकती है। इसलिए इसका ये मुख्य उद्देश्य है कि महिलाओं को हम महिलाएं ही सुनें और उनकी समस्या का जहां तक हो निराकरण करने की कोशिश करें, इसलिए महिला साइबर सेल की स्थापना की गई है।